जनता इस साल स्थापना दिवस समारोह मना रही है। इस मौके पर राज्य की जनता को भूपेश सरकार कई सौगातें देने जा रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर राज्य अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन होगा और छत्तीसगढ़ विचार माला का विमोचन भी किया जाएगा। राज्योत्सव दो चरणों में होगा। पहले चरण में राहुल गांधी और दूसरे चरण में राज्यपाल अनुसुईया उइके वर्चुअल शामिल होंगे। इस मौके पर धान उत्पादक किसानों को बोनस की तीसरी किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और कोंडा गांव से आयरन और विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना की शुरुआत होगी। राज्योत्सव के मौके पर स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल योजना की भी शुरुआत होगी। 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल और सह लेबोरेटरी का भी शुभारंभ होगा। वनांचल के 23 गांव तक बिजली की रोशनी उपकेंद्र और लाइन का भी लोकार्पण किया जाएगा। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गए हैं। सुप्रिया, एक तरफ छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव मनाया जा रहा है, कई सारी सौगातें जो है कह सकते हैं कि वहां की जनता को देने वाली है भूपेश सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का खेत सत्याग्रह भी है, तो किस तरह का आज दिन रहने वाला है, क्या कुछ खास होगा आज? आज जो है आज से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी और आज मुख्यमंत्री निवास में वर्चुअल माध्यम से सभी जो है वो शामिल होंगे। इसमें तमाम मंत्रिमंडल, इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और इसके साथ नेता प्रतिपक्ष भी इस समारोह में शामिल होंगे। और ये जो आयोजन है वो दो चरणों में होगा। पहले चरण में राहुल गांधी शामिल होंगे और दूसरे चरण में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगे। तो तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और इसके साथ ही राजधानी वासियों के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को भी कई योजनाओं की सौगात मिलेगी, जिसके तहत पहली बात अगर हम करें तो राज्य जो शासकीय स्कूल की सौगात है वो छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने वाली, शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल की सौगात है छत्तीसगढ़ की जनता को आज से मिलने वाली। इसके साथ ही वनांचल के 23 गांव को बिजली मिलेगी और इसके साथ ही जो 30 नगरीय स्लम एरिया है वहां पर मोबाइल हॉस्पिटल की शुरुआत होने वाली है। तो तमाम जो बड़ी योजनाओं की सौगात यहाँ पर मिलने वाली है लोगों को और इसके साथ ही कई योजनाओं का जो लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विचार माला का विमोचन भी होगा और इसके साथ कई योजनाएं जो है जैसे ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के रामवन पथ गमन टूरिज्म सर्किट का शिलान्यास भी होगा। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब का भी जो है लोकार्पण होगा। बूढ़ा तालाब में कई जो है इस बार काफी विशेष जो नागरिकों के लिए पर्यटन के लिए विशेष सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की गई है। तो तमाम रायपुर के कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वह खेत सत्याग्रह करने वाली है। खेत सत्याग्रह के माध्यम से जो है बीजेपी ये मांग कर रही है कि किसानों को जो है बकाया बोनस की राशि है वो प्रदान करे। हालांकि भूपेश सरकार आज किसानों को बकाया बोनस की राशि आज प्रदान करने वाली है। 1500 करोड़ की जो राशि है वो एक बार फिर किसानों के खाते में तीसरे किस्त की राशि जो है वो आज दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर किसानों को लेकर के दूसरी तरफ बीजेपी आंदोलन कर रही है और भूपेश सरकार से मांग कर रही है कि जो बोनस की राशि है चौथी किस्त की राशि भी भुगतान हो। इसके साथ ही जो है वो बीजेपी का मांग है कि धान खरीदी की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जल्द से जल्द हो। तो इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की जो राशि है वो दे दी है और इसके साथ इस बार शिक्षा कर्मियों का संविलियन भी हो गया, इस बार आदेश भी जारी हो गया और जो बाकी बचे हुए शिक्षा कर्मी है 16,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन होना है, जिसमें से 8,000 शिक्षा कर्मियों के संविलियन के आदेश जारी हो चुके हैं और बाकी बचे हुए शिक्षा कर्मियों के संविलियन के आदेश आज और कल में जारी हो जाएंगे। तो तमाम जो सौगाते हैं सुप्रिया, राज्य अलंकरण सम्मान की बात कर ले तो किन किन के नाम इनमें शामिल है और किन किन को आज सम्मानित किया जा सकता है? काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही पत्रकार ममता लांजेवार का भी जो सम्मान है वो किया जाएगा। काफी सारे लोग हैं जिनका सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। लगभग 14 से 15 लोग हैं जिनका राज्य अलंकरण समारोह के दौरान सम्मान होगा। इसके साथ ही आज जो है राज्य अलंकरण समारोह जो है वो मुख्यमंत्री निवास में ही संपन्न होगा, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही किसी भी अन्य जो लोग हैं ज्यादा भीड़
इकट्ठा नहीं की गई है क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर है। पिछली बार काफी ज्यादा धूमधाम से राज्योत्सव की शुरुआत की गई थी, पिछली बार आदिवासी नृत्य महोत्सव भी किया गया था, लेकिन इस बार किसी भी तरह का आयोजन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ राज्य अलंकरण समारोह के दौरान अलंकरण समारोह जो पुरस्कार है वो वितरित किए जाएंगे और इसके साथ ही राज्य में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जो है वो लोकार्पण किया जाएगा, जनता को सौगात मिलेगी, तो तमाम जो कार्यक्रम है वो आज किए जाएंगे। जी चलिए सुप्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे एक बड़ी खबर।